हाय टीम, तो अभी मैं कुर्रा वेस्ट के लिए शॉप विजिट कर रहा था, तो मैं अभी खड़ा हूँ काजूपाड़ा जंक्शन पे, बैल बाजार कुर्रा वेस्ट। तो ये काजूपाड़ा जंक्शन है, ये जो देख रहे हैं यहाँ से ये आसपास ये चार रास्ता, मतलब ये भी है, इसको चार रास्ता अपन बोल सकते हैं, चार तरफ इसका रास्ता गया है। अगर यहाँ से हम लोग राइट मारेंगे तो सीधा हम कुर्ला अपना निकल जाएंगे नूर हॉस्पिटल की तरफ, ये सीधा भी जाएगा, सीधा फिनिक्स मॉल की तरफ जाएगा, ये लेफ्ट जाएगा तो वो लेफ्ट भी फिनिक्स मॉल की तरफ जाएगा, और ये रास्ता ये अपना बैल बाजार पुलिस स्टेशन की तरफ चला जाएगा। तो अपन इजीली चारों रास्ते से मूवमेंट कर सकते हैं, और अपना जो गाला है वो ये बिल्डिंग में है, अपना ग्राउंड फ्लोर पे कॉर्नर की शॉप। तो यहाँ पे वन वे इशू नहीं है, नो पार्किंग का भी इशू नहीं है यहाँ पे चारों तरफ, तो बाइक पार्किंग करने के लिए ये अपना गाला है, हम यहाँ पे भी बाइक पार्किंग कर सकते हैं। ये जहाँ पे टेम्पू खड़ी है, मेरी बाइक खड़ी है, वहाँ पे भी हम कुछ बाइक पार्किंग कर सकते हैं, और कुछ बाइक मैं यहाँ पे फ्रंट में भी पार्किंग कर सकता हूँ, ये अपना गाला के ठीक सामने पार्किंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पार्किंग का कोई इशू नहीं है, यहाँ से बाइक उठती नहीं है, पुलिस वाले उठाते नहीं है, नो पार्किंग नहीं है। तो अपना जो गाला है वो ये है, ये फ्रंट है गाले का, ये फ्रंट दो शटर है, ये जो शटर है ये फ्रंट का हिस्सा है गाले का, ये राइट साइड का हिस्सा है, एक शटर, दो शटर और ये तीन शटर, और ये फुटपाथ है, मतलब यहाँ से लोग पैदल ऐसे आते रहते हैं यहाँ से। तो ये एक शटर, दो शटर, तीन शटर ये राइट साइड में है, और फ्रंट का दो शटर आगे है। तो अपनी जो एंट्री होगी वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इस गेट से भी कर सकते हैं, और फ्रंट से भी हम लोग आ जा सकते हैं, फ्रंट से भी मैं हम लोग इस रास्ते से एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। तो अभी मैं दूसरे साइड से चलता हूँ। ये गाले का बैक लेफ्ट साइड का हिस्सा है, ये ऑनर का ऑफिस है, और ये पूरा ये पीछे घूम के हुए होते हुए जा रहा है, ये लेफ्ट साइड का है, यहाँ पे। तो अभी मैं हम लोग अपने गाले में ऐसे चलेंगे, तो ये अपना गाला है, ये अपने गाले का फ्रंट दो गेट है, प्लस राइट साइड में तीन गेट है, तीन शटर है, एक शटर, दो शटर, तीन शटर। तो हम एंट्री इस गेट से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं फ्रंट से। तो ये 828 स्क्वायर फीट इसका कारपेट एरिया है। अगर हम वृत्त की बात करेंगे उस कॉर्नर से लेके इस दीवार तक, तो 18 फीट इसकी वृत्त है, और लेंथ की बात करेंगे वहाँ जो वो ग्लास उस शटर से लेके ये एंड तक 46 फीट है। तो टोटल 828 स्क्वायर फीट इसका स्क्वायर फीट है कारपेट एरिया। अगर हाइट की बात करेंगे तो 13.5 फीट इसकी हाइट है, टोटल हाइट ग्राउंड से लेके वो पूरा एंड तक 13.5 फीट इसकी है हाइट। इसमें थ्री फेस लाइट नहीं है, ऑनर करके देंगे, प्लस अपना पार्किंग के लिए सामने, मतलब नो पार्किंग है तो अपन 8-10 बाइक लगा सकते हैं। वाटर का अगर बात करें कि तो वाटर यहाँ पे बीएमसी है, ऑनर का ऑलरेडी 3000 लीटर का टंकी है। लेकिन ये 1.3 फीट इसका डेप्थ है,
ये 15x18, ये मतलब ये जो एरिया है ये इसकी लेंथ और ब्रेथ 15x18 है, तो ये पूरा 1.3 फीट इसकी डेप्थ है। ये एक बैक गेट है, ये अगर बैक गेट ओपन करेंगे तो हम दूसरी साइड में चले जाएंगे जो मैंने अभी दिखाया है। ये अपन लॉफ्ट हटा सकते हैं, तो इसमें फर्स्ट फ्लोर पे जिम चल रहा है। वेंटिलेशन के लिए हम ये यहाँ पे निकाल सकते हैं वेंटिलेशन ऊपर, ये वेंटिलेशन ये पूरा कवर्ड किया गया हुआ है। एक तो ये विंडो है, ये विंडो है, प्लस ऊपर ऐसे मतलब लकड़ी से इसको ढका गया है, तो इसमें अपन फ्रेश एयर वेंटिलेशन के कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे हम एग्जॉस्ट भी निकाल सकते हैं, आगे अपन फ्रेश एयर ले सकते हैं। एग्जॉस्ट हम अपन राइट साइड में छोड़ेंगे, राइट साइड में मतलब रोड की तरफ। ये ऊपर जो ऐसे खिड़की निकली हुई है, अभी इसको लकड़ी से कवर किया है पूरा, वहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको अपन ओपन कर सकते हैं। बैक साइड में नहीं निकाल सकते क्योंकि बैक साइड में ये दूसरा मतलब रास्ता है ऊपर जाने के लिए। लेफ्ट साइड में अगर करेंगे तो इसमें मतलब दूसरे साइड में या ऑनर के ऑफिस की तरफ, तो ये दोनों साइड ओपन नहीं कर पाएंगे। अपन फ्रंट में या राइट साइड में ओपन कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे और आगे। तो वॉशरूम यहाँ पे नहीं है, वॉशरूम बिल्डिंग में है, वो कॉमन वॉशरूम है।